What's up everyone, welcome back to the channel. बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कशन हुआ था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन देखने से तो कुछ नहीं होगा, ये भी तो देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं. तो प्रॉफिट्स की जानकारी के लिए हमें देखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो और सारा डिटेल डिस्कशन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में और इस 60-day स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब पढ़ना है आप लोगों को कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. उसके लिए बैलेंस शीट P&L दोनों ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स बिगिन. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन रखा था वो रखा था बैलेंस शीट के ऊपर, और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दोनों ही फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखने हैं. एक एक आइटम कहीं भी भूलोगे तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो बैलेंस शीट को भी पूरा याद रखना और उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी पूरा याद रखना. अब जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे पास कहाँ पे गिवन था, पार्ट वन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. ये जो फॉर्मेट है ये है आपका पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 3. दोनों ही फॉर्मेट शेड्यूल 3 में गिवन है, बस बैलेंस शीट पार्ट वन में है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट टू में है. क्लास 11th में जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बस थोड़ा डिफरेंट वे में बनाया गया है. है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ से जैसे वहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी निकलेगा, बट थोड़ा सा शो करने का, प्रेजेंट करने का तरीका वे अलग है. देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, वही अगर किसी चीज़ का नोट बनाना है तो उसके नोट नंबर डलेगा, करंट ईयर का फिगर्स, फिर प्रीवियस ईयर के फिगर्स. सबसे पहले हमने कंसिडर करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है सेल्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल्स. और एक बात ध्यान रखना, ये जो सेल है ये नेट सेल्स है. नेट का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. अगर कोई रिटर्न है तो वो इसमें से माइनस होगा. दिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेक्ट. तो सबसे ऊपर ले लिया कि मेरी जितनी भी सेल होगी वो आप इस तरफ कंसिडर कर लोगे. दूसरा क्या आता है हमारे पास, अदर इनकम. अदर इनकम का मतलब क्या, आप देखो एक बिजनेसमैन को और भी इनकम्स होती हैं बहुत सारी, उसको कोई डिविडेंड आ गया, उसको कोई इंटरेस्ट आ गया, उसको कोई गेन हुआ कोई बिल्डिंग सेल करके या फर्नीचर सेल करके या कुछ भी, अदर इनकम्स में वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर देंगे. तो जो उसके ऑपरेशन से होने वाली इनकम है, जिसमें वो काम करता है, जिसमें वो डील करता है, वो तो उसकी सेल है, वो तो यहाँ दिखा दिया. उसके अलावा जितनी भी इनकम्स होती है, कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है या कुछ अदर इनकम्स हैं, वो सब हमारी अदर इनकम्स में आ जाती है. तो सबसे पहले सेल दिखाई, सेल के बाद हमने कंसिडर करा अदर इनकम. अदर इनकम यानी कि जो भी अलग लेवल से या किसी और वे से पैसा जनरेट हो रहा है. फिर हम लोग करते हैं इसका टोटल, आप इन दोनों का टोटल कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दोनों जोड़ के हमारे पास क्या आएगा, अदर इनकम्स. फिर क्या आते हैं हमारे पास अगले लेवल पे, अब इसमें से आपको खर्चे माइनस करने हैं. आपको ये पता चल गया कि आपको अमाउंट कितना जनरेट हो रहा है, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू हो गया. सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें अदर इनकम जोड़ दी, अब खर्चे हटाना शुरू करो. कौन कौन से एक्सपेंसेस, सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या, वो गुड्स पे होने वाला खर्चा जो बेसिकली आप लोगों ने रीसेल के लिए लिए हैं, जिन पे आपको बेसिकली कुछ प्रोसेसिंग करना है, जिन्हें बेचना है, वो हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है. क्लास 11th में आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते थे. 11th में इसको क्या बोलते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. यहाँ पे क्या आ रहा है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, नोट डाउन करके चलना. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस. क्लास 11th में आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते थे, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना, ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके बाद क्या है, इसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपके पास जो भी स्टॉक है उसका परचेज हम लोग इधर शो कर देते हैं। तो हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही आ गया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री होता है हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये ध्यान रखना, ये जो इन्वेंट्री है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है। इन्वेंट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश्ड गुड्स। तो हमारे पास इन्वेंट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ए रॉ मटेरियल, बी वर्क इन प्रोग्रेस, सी फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का मतलब कि स्पेसिफिकली रॉ, जो आपने एज इट इज कोई रॉ लिया है मटेरियल उसकी आपने प्रोसेसिंग वगैरह करनी है। वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास बेसिकली आ गया जो अभी पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। तीसरा फिनिश गुड्स, जो बना हुआ सामान है। तो इन तीनों का सम, पहले ए का आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, फिर बी का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, फिर सी का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है। तीनों को जोड़ के चेंज इन इन्वेंट्री में लिख देना। ए बी सी कौन कौन से, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये हम लोग चेंज इन इन्वेंट्री में शो कर देते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस जो आपके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए खर्चा हुआ है, जैसे वेजेस, सैलरी, कोई आपने ग्रेचुटी का पेमेंट करा है, कोई उनके लिए प्रोविडेंट फंड बनाया हुआ था उसका पेमेंट करा है। तो एम्प्लॉई बेनिफिट के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सब एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में मेनली कौन से आते हैं, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट की मेनली कोई इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर पे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, कोई पैसा बोरो करने पे खर्चा आया है, चार्जेस आए हैं, तो इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट मेनली फाइनेंस कॉस्ट में आ जाते हैं। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप समझते ही हो, डेप्रिसिएशन होता है जो हमारी फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, और अमोर्टाइजेशन होता है जो इनटेंजिबल एसेट्स पे लगाया जाता है। तो अगर टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजिबल की बात हो रही है तो अमोर्टाइजेशन। दोनों का जो पर्पज है वो वही है, वैल्यू को कम करना। अगर फिक्स एसेट टेंजिबल की हुई है तो डेप, इनटेंजिबल की हुई तो अमोर्टाइजेशन। फिर अगर कोई और खर्चे बच गए जैसे फ्रेट, कैरेज, इनवर्ड आउटवर्ड, सारे रेंट हो गया, बैक डेट्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बहुत सारे खर्चे हैं ऐसे, तो वो जितने भी अदर एक्सपेंसेस बचे हैं वो सभी हमारा अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाते हैं। तो अब देखो खर्चों के भी अलग अलग हेड बने कि किस तरीके से खर्चों को कैटेगराइज करना है। तो यहाँ पे सब एक्सपेंसेस दिखा दो। इन सभी एक्सपेंसेस का यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने खर्चे हैं इनका टोटल करो और यहाँ लिखो टोटल एक्सपेंसेस सभी एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये पैसा कमाया था सेल से, ये अदर इनकम से कमाया, तो मुझे पता चल गया टोटल मैंने कितना कमाया। फिर ये मेरे टोटल खर्चे आ गए। सपोज मैंने 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पे अर्न करे थे और 20,000 के मेरे खर्चे आ गए टोटल। लेट सपोज मैं वैसी फिगर ले रहा हूँ और इस साल की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस में कुछ और आया। सपोज 1,00,000 मेरा टोटल रेवेन्यू और 20,000 के मेरे टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा दूँ प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 1,00,000 में से 20 हटाना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 80,000 आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है, इसको यहाँ पे क्या दिखाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करूँ, ये जो टोटल रेवेन्यू दैट इज थर्ड माइनस टोटल एक्सपेंस दैट इज फोर्थ। तो अगर इस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा दूँ, जितना कमाया है उसमें से खर्चे हटा दूँ तो प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे लेट सपोज ये फिगर आई 80,000 रुपीज़, भाई 1,00,000 में से 20 के खर्चे हटाए तो 80,000 की फिगर आ गई। इस पे क्या लगाना होता है, टैक्स। सपोज टैक्स का रेट 50% है, लेट्स एज्यूम कि टैक्स का रेट कितना है 50%। तो ध्यान रखना टैक्स किस पे लगेगा, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। टैक्स किस पे लगता है हमें भाई, जितना इनकम कमाया उसी पे तो इनकम टैक्स दोगे, जितना प्रॉफिट कमाया उसी पे तो टैक्स दोगे। तो टैक्स इस 80 पे लगेगा, जितना भी रेट होगा वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा, वो टैक्स यहाँ मेंशन कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं,
बेसिकली इस प्रॉफिट पे ये टैक्स माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बचेगी दिस इज अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 80 पे 50% कितना हो गया 40,000, तो जो वैल्यू बची दिस इज 40,000 इज अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये हमारा फॉर्मेट है एक तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही तो है, बस शो करने का जो तरीका है वो अलग है. क्लास 11th में इसको ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट उसके तरीके से शो करा गया है, यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से इसको इस तरीके से अलग अलग हेडिंग्स में बनाया गया है. तो इसमें मेन बात ध्यान रखनी है कि आप फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट ओनली. सबसे पहले सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम जोड़ दो, ये नेट सेल होगा ध्यान रखना, फिर टोटल रेवेन्यू आ गया, ये सब खर्चे हटाओ, खर्चे हटाने के बाद टोटल एक्सपेंस पता चला, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटाया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट पे टैक्स लगाओ, फिर क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट डाउन कर ही लिया होगा, आप लोगों ने अगर नहीं कराया तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट और हमने दोनों फॉर्मेट्स पढ़ लिए, बैलेंस शीट कैसे होती है वो भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है वो भी. अब इन फॉर्मेट्स पे बेस्ड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. तो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स दोनों इसी फॉर्मेट्स पे बनाए जाएंगे, बहुत बहुत ध्यान से आपने सीखना है और चीज़ों को कवर करते चलना है. तो बस आज की इस वीडियो में यही मेजर डिस्कशन रखना था, वो हमने कर लिया. रेस्ट कंपैरेटिव कॉमन साइज कैसे बनता है ये हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में. दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच.